भाई बच्चों देखिए, क्लास 12 में जो एक टॉपिक आपके रेस्पिरेशन है उसका अपने पार्ट 17 करेंगे। लंबा समय हो गया है, लंबे समय बाद में आज दोबारा अपने इस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं पार्ट 17 लेकर। जो टॉपिक है वो अपना है श्वसन उभयचर क्रिया। पिछली क्लास में अपने आरक्यू पढ़ा था, ठीक है, श्वसन गुणांक। अब टॉपिक है श्वसन उभयचर क्रिया। उभयचर को इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबोलिक, एम्फीबोलिक। सबसे पहले देखिए एक टर्म आती है उपापचय, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हिंदी में कहते हैं उपापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कोशिका या शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक विक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। कोशिका में होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं, यानी कोशिका में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे पादपों की बात करें तो उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, श्वसन होता है, ठीक, और भी जो है, ठीक, अपनों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता लेकिन श्वसन होता है, ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन सभी में होता है, सभी कोशिकाओं में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, प्रोटीन का टूटना, वसा का टूटना या प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण, ये सारी क्या जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। और ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं या जो अभिक्रियाएं हैं इनको सम्मिलित रूप से अपने क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। अब देखिए ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती है, कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक, ठीक, कैटाबोलिक या कैटाबोलिज्म और एनाबोलिक या एनाबोलिज्म। कैटाबोलिक रिएक्शंस कौन सी है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है जो हमारे शरीर में होती है उनको दो भागों में बांटा गया है, यानी उपापचय को दो भागों में बांटा गया है या उपापचय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक या कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। देखिए कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक रिएक्शंस कौन सी है, जिनमें कोई पदार्थ या कोई यौगिक टूटता है, कोई कंपाउंड या कोई पदार्थ टूटता है, ठीक है, यौगिक भी आप कह सकते हो, या कोई बड़ा अणु टूटता है और छोटे अणुओं का निर्माण होता है, तो वो किस प्रकार की है? कैटाबोलिक। एनाबोलिक जिसमें किसी जटिल अणु का संश्लेषण होता है, एनाबोलिक यानी जिसमें किसी जटिल अणु का संश्लेषण होता है, यानी कैटाबोलिक में तो कोई यौगिक टूटेगा और एनाबोलिक में क्या होगा? कोई यौगिक बनेगा, ठीक। उदाहरण देखते हैं अपन इनके, जैसे श्वसन है ना, श्वसन उसको नॉर्मली अपने कैटाबोलिक मानते हैं, श्वसन जो प्रक्रिया है ना उसको अपने क्या मानते हैं? कैटाबोलिक। क्यों? क्योंकि श्वसन में क्या है, जो अपना ग्लूकोज है वो किस में टूटता है?
कार्बिक एसिड में। तो श्वसन में क्या है, जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका विखंडन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, वो टूटता है तो वो कैटाबोलिक। और जिसमें कोई पदार्थ बने, कोई जटिल अणु बने, किसी पदार्थ का या यौगिक का संश्लेषण हो, तो वो क्या आएगी, एनाबोलिक। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O, ठीक, ये दोनों भाग लेंगे, लाइट पढ़ित तो वो भी होंगे, और क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो श्वसन में तो देखिए ग्लूकोज पारगमन में टूट रहा है, ठीक, और आगे भी पारगमन का ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है, तो श्वसन तो हो गया कैटाबोलिक। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 H2O से कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो ये हो गया एनाबोलिक। अब मैंने क्या लिखा है कि श्वसन उभयचर क्रिया है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, श्वसन कैटाबोलिक है। देखिए अगर अपने इस तरह बोले कि जिसमें कोई पदार्थ टूटे तो वो कैटाबोलिक है, और कोई पदार्थ बने तो एनाबोलिक है, तो श्वसन किस में आ जाएगा, कैटाबोलिक में, ठीक, श्वसन कैटाबोलिक में आएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पारगमन में टूटती है, और प्रकाश संश्लेषण एनाबोलिक में आएगी। लेकिन जब अपने श्वसन को, श्वसन की जो प्रक्रिया है उसका गहराई से अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो श्वसन में आपको दोनों के लक्षण मिलते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। यानी श्वसन के अंदर, श्वसन जो प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया में कोई पदार्थ टूटता है, और यह भी हो सकता है कि मतलब जब कोई पदार्थ टूटेगा तो नए पदार्थ बनेंगे, नए यौगिक बनेंगे, नए अणु बनेंगे, और उन अणुओं का उपयोग फिर किसी नए पदार्थ को, नए यौगिक को बनाने में हो सकता है। देखिए मैंने श्वसन लिखा है एम्फीबोलिक, ठीक, श्वसन क्या लिखा है, एम्फीबोलिक। नॉर्मली या मोटे तौर पर अपने ये समझते हैं कि श्वसन कैटाबोलिक और प्रकाश संश्लेषण एनाबोलिक है, ठीक। अब जब अपने डीपली देखते हैं, गहराई से देखते हैं, तो अपने को पता चलता है कि जो श्वसन है ना, श्वसन में कैटाबोलिक जो रिएक्शन है वो भी होती है, और कुछ मामलों में आप देखोगे कि एनाबोलिक रिएक्शन भी होती है। किस प्रकार है वो देखिए, देखिए एक बात और, श्वसन में प्रत्यक्ष रूप से एनाबोलिक रिएक्शन नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से एनाबोलिक रिएक्शन नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि श्वसन जो है ना, उसमें श्वसन में कैटाबोलिक प्रॉपर्टीज भी होती है और एनाबोलिक प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी श्वसन में दोनों, श्वसन दोनों तरह के अभिक्रियाओं से संबंधित है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, ठीक। वैसे तो मैंने आपको बताया कि श्वसन को अपने नॉर्मली मानते हैं कैटाबोलिक अभिक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण को एनाबोलिक, लेकिन जो श्वसन है ना, ठीक, श्वसन को अपनों ने कंप्लीटली कैटाबोलिक नहीं माना है, कंप्लीटली कैटाबोलिक नहीं माना है श्वसन को। जब अपने गहराई से देखते हैं तो श्वसन को वर्तमान में अपने क्या कहते हैं कि श्वसन एक एम्फीबोलिक प्रक्रिया है, एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक मतलब जिसमें कैटाबोलिज्म भी हो और एनाबोलिज्म भी हो, कैसे वो देखिए। देखिए सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट है, अब वो बताए जब श्वसन प्रक्रिया चालू शुरू होगी तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, ठीक, और फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा,
फिर पारगमन बनेगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, इस तरीके से फिर क्रैब चक्कर और फिर अंत में एटीएस चलेगा। तो ये जब आप देखते हो ना ये पैटर्न, तो ये पैटर्न आपको लगेगा कि ये क्या है, कैटाबोलिक है, ठीक है, कैटाबोलिक। मैंने आपको बताया भी था कि जो रेस्पिरेशन है वो मोटे तौर पर क्या है, कैटाबोलिक है या कैटाबोलिज्म में आता है, ठीक। और फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म में आता है या एनाबोलिक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से शुरू करें और अंत तक अपने इस तरह चलें तो ये जो प्रक्रिया आपको क्या लग रही है, कैटाबोलिक लग रही है, ठीक। लेकिन अपनों ने सबसे में बताया क्या है, न तो कैटाबोलिक कम्प्लीटली न कम्प्लीटली एनाबोलिक, ये क्या है, एबिबोलिक है। देखेंगे कैसे, अगर वसा श्वसन में प्रयुक्त हो रही है, श्वसन प्रक्रिया में वसा प्रयुक्त हो रही है या वसा श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त हो रही है तो क्या होगा, देखिए जो वसा है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगी, वसीयम अलोरे ग्लिसरोल में वसा टूटेगी। जब वसा श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होगी तो वसा का विखंडन होगा, क्या बनेंगे, वसीयम अलोरे ग्लिसरोल। ये जो ग्लिसरोल है ना ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, जिसको अपने शॉर्ट में कहते हैं PGAL, और ये फिर किसमें एंटर करेगा, ग्लाइकोलाइसिस में। इसी प्रकार जो वसीय अमल है अपना फैटी एसिड, ये वसीय अमल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंटर करेगा, क्रैब्स से चक्कर में। इसी प्रकार अगर प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त हो रही है, यानी श्वसन प्रक्रिया में कौन प्रयुक्त हो रही है, प्रोटीन्स, तो जब प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होती है तो सबसे पहले प्रोटीन किस में टूटेगी, जो भी प्रोटीन है वो किस में टूटेगी, अमीनो अम्लों में, और ये अमीनो अम्ल या तो पारगमन में कन्वर्ट हो जाएगा या अपनी संरचना के अनुसार, यानी अमीनो अम्ल की जो भी संरचना है उसके अनुसार क्रैब्स चक्कर के किसी चरण में प्रवेश करेगा। तो ये मतलब श्वसन को समझाया हुआ है कि जब श्वसनाधार वसा हो तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या हो तो प्रोटीन्स हो तो क्या होगा। एक बात और देखिए, जैसे शरीर में मान लीजिए वसीय अम्लों की कमी होगी, शरीर में किसकी कमी होगी, वसीय अम्लों की कमी होगी, तो क्या होगा, ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। पहले क्या था, वसीय अम्ल से क्या बन रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब क्या होगा, जब शरीर में वसीय अम्लों की कमी हो गई है तो शरीर क्या बनाएगा, वसीय अम्ल बनाएगा, कोशिकाएं क्या बनाना चालू कर देगी, वसीय अम्ल बनाना चालू कर देगी, और वसीय अम्ल किससे बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब देखिए यहां पर ये जो प्रक्रिया हो गई है ना, यहां पर तो ये कैटाबोलिक चली है और आगे ले जाए ना तो भी कैटाबोलिक है, लेकिन ये जो अपना जो मेन पाथवे है, जो मेन जो श्वसनी पथ है ना, ये अपना श्वसनी पथ है, भी मुख्य श्वसनी पथ ये है, ये मुख्य श्वसनी पथ है, और इसमें अगर अपने यहां से लेकर यहां तक चले ना तो इसकी प्रकृति क्या है, कैटाबोलिक है, यानी कोई पदार्थ कंटिन्यू टूटेगा, कोई योगी कंटिन्यू टूटेगा, कोई जो योगी का जैसे कि ग्लूकोज है इसका कंटिन्यू ऑक्सीकरण होगा, इसका विखंडन होगा, तो कैटाबोलिक है। लेकिन जब हमारे शरीर में वसीय अम्लों की कमी हो जाती है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, वसीय अम्ल, और जब बने या संश्लेषण हो तो उस रिएक्शन की प्रकृति क्या होती है, एनाबोलिक। तो कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मली तो अपने कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो क्या है, कैटाबोलिक है, लेकिन कई बार क्या है, शरीर की या कोशिकाओं की जरूरत के हिसाब से इस प्रक्रिया में, यानी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें बनने वाले जो मध्यवर्ती पदार्थ है
जैसे पारिकमल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ओ कुछ और है, ये मध्यवर्ती पदार्थ किसी यौगिक को निर्माण में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, किसी यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे शरीर में किसकी कमी आ गई, वसीयमल की कमी आ गई, तो वसीयमल किससे बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो ये श्वसनीपथ है, ये श्वसनीपथ तो कैटाबोलिक है, लेकिन इस श्वसनीपथ में जो मध्यवर्ती बने हैं, ये मध्यवर्ती है पायरिकमल एसिटाइल कोएंजाइम ए, श्वसनीपथ के जो मध्यवर्ती है ना, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम हो गया या पायरिकमल हो गया, इनका उपयोग किसी अन्य पदार्थों के संश्लेषण में हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का उपयोग किसके संश्लेषण में हो रहा है, किसके निर्माण में हो रहा है, वसीयमल के निर्माण में। तो जब निर्माण हो, संश्लेषण हो, तो वो क्या होता है, एनाबोलिक। तो देखिए कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो कहने का मतलब है कि श्वसन जो है ना, वो कंप्लीटली कैटाबोलिक नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर तो श्वसन कैटाबोलिक है, लेकिन कई बार क्या होगा कि जो श्वसन के दौरान जो बनने वाले मध्यवर्ती पदार्थ है ना, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए है या कुछ और है, वो विभिन्न पदार्थों के संश्लेषण में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए वसीयमल के निर्माण में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक, तो जब इससे ये बन रहा है तो क्या हो गया, एनाबोलिक। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रक्रिया ना, वो ऐसे भी जा सकती है और अंत में एटीएस चलेगा, या ये प्रक्रिया ऐसे भी जा सकती है। जब ऐसे जाए तो कैटाबोलिक, और जब ऐसे जाए, ठीक, तो कहीं पर कैटाबोलिक और फिर यहां पर एनाबोलिक। ठीक, इसलिए टर्म आती है एम्फीबोलिक, यानी जिसमें दोनों ही प्रक्रियाएं चले, दोनों तरह की रिएक्शन हो, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो इस प्रकार श्वसन क्या है, एम्फीबोलिक या उभयचर क्रिया है, यानी इसमें कुछ रिएक्शन कैटाबोलिक होगी और कुछ रिएक्शन एनाबोलिक होगी। तो ये अपना है श्वसन एक उभयचर क्रिया है, इसके बारे में आगे देखिए श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए जो श्वसन की दर है वो कई कारकों से प्रभावित होती है, और श्वसन की जो दर है ना, वो पादप के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। श्वसन की सबसे अधिक दर जो विभिजकी कोशिकाएं हैं उनमें होती है। श्वसन को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको अपने दो भागों में बांटते हैं, या दो वर्गों में विभाजित करते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक और आंतरिक कारक, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कारक की। ये कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भी सिंपल सही है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता है। बाह्य कारक, बाह्य कारक में पहला देखिए, बाह्य कारक में पहला है तापमान।
क्या है? तापमान। देखिए तापमान श्वसन को किस प्रकार प्रभावित करता है, तापमान श्वसन को किस प्रकार प्रभावित करता है वो देखिए। देखिए श्वसन जो है ना, यह एंजाइमों द्वारा संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, या आप कह सकते हैं कि श्वसन में एंजाइम्स भाग लेते हैं, यह एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है श्वसन। आपने पढ़ा ये देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स थे। और एंजाइम्स क्या होते हैं, किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। और जो प्रोटीन्स होती है ना, ये तापमान से प्रभावित होती है। जब तापमान बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा कम होगा तो जो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना है ना, उसमें परिवर्तन आएगा। तापमान के बहुत ज़्यादा घटने से या तापमान के बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो प्रोटीन्स हैं उनकी तृतीयक संरचना में क्या आएगा? परिवर्तन। और जब तृतीयक संरचना में परिवर्तन आता है किसी प्रोटीन की, तो वह प्रोटीन क्या हो जाती है? अक्रियाशील। क्या हो जाती है? अक्रियाशील। वो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो श्वसन नहीं होगा, या श्वसन की दर नीचे आ जाएगी। पहला हो गया ठीक। और नॉर्मल रेंज क्या है टेम्परेचर की? पता ही आपको, 15 से आप 35 कर सकते हो, कि 15 से 35 तक अपने को ठीक फील होता है। 15 से नीचे जाएगा तो टेम्परेचर ठीक, मतलब 15 से नीचे टेम्परेचर जाता है तो अपने को ठंड फील होने शुरू हो जाएगी, और 35 से ऊपर जाएगा तो गर्मियाँ शुरू हो जाएगी फील ठीक। लेकिन 15 से 35 के बीच में अपने नॉर्मल रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, अपने को ज़्यादा ऐसे बुरा फील नहीं होगा। और देखिए ऑक्सीजन, O2। देखिए हमारे अंदर जो श्वसन हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सी श्वसन, और यहां पर ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? अंतिम ऑक्सीकारक ठीक, या आप कह सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। जब BTS पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का रोल। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम ऑक्सीकारक या अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की भूमिका निभाती है ठीक। किस प्रकार ऑक्सीजन श्वसन से संबंधित है वो मैंने आपको ETS में बताया था, तो वो आप देख सकते हैं। फिर जल, जल देखिए श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, और जो भी जैव रासायनिक क्रिया है ठीक, उसको एक माध्यम चाहिए होता है ठीक। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, और जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है वो कब संपन्न होती है? जब उसको माध्यम मिले। माध्यम की भूमिका कौन निभा रहा है यहाँ पर? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। माध्यम की भूमिका कौन निभा रहा है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और जिसका अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। तो आप कह सकते हो कि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, और जो श्वसन में जो संपन्न होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, वो जलीय माध्यम में संपन्न होती है। जलीय माध्यम में संपन्न होती है, जल की कमी हो जाएगी तो इन जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न होने में बाधा उत्पन्न होगी, अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगी। फिर है प्रकाश, अगला है प्रकाश। देखिए प्रकाश का
श्वसन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसे जब प्रकाश होगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान के बढ़ने से श्वसन दर भी क्या होगी, बढ़े जाती है। अब देखिए पादपों की बात करें तो जब प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज होगा तो श्वसन प्रक्रिया चलेगी। अगर मान लीजिए प्रकाश ना हो ना तो श्वसन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में बनता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, और श्वसन में इसी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो इस प्रकार है। और दूसरी बात कि प्रकाश की उपस्थिति में जो स्टोमेटा होते हैं ना रंध्र, प्रकाश की उपस्थिति में जो स्टोमेटा है रंध्र है वो खुले रहते हैं, और इसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो स्टोमेटा बंद रहेंगे, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, फिर श्वसन कैसे होगा? आगे है CO2, आगे क्या है CO2। देखिए ये ए बी सी डी आ गया, ई है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2 की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ श्वसन की दर कम होती है, ठीक, और इसका प्रतिकूल प्रभाव बीजों के अंकुरण व पादप की वृद्धि दर पर पड़ता है। देखिए हीथ ने एक प्रयोग किया था, हीथ एक साइंटिस्ट है, इसने एक प्रयोग किया कि अगर CO2 की सांद्रता बढ़ती है, CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो जो रंध्र है ना पत्तियों की सतह पर मिलते हैं रंध्र, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो गैसीय आदान प्रदान नहीं होगा, गैसीय आदान प्रदान नहीं होगा, और जब गैसीय आदान प्रदान नहीं होगा तो न तो श्वसन होगा न ही प्रकाश संश्लेषण। ठीक, अब देखिए आगे है आंतरिक कारक, ये भी सिंपल, ये कोई ज्यादा नहीं है, बता देता हूँ आपको एक बार। पहले कारक उन्होंने कर लिए, अब ये है आंतरिक कारक। देखिए आंतरिक कारकों में पहला है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। देखिए जो विभेद्योतकी कोशिकाएं होती है ना, विभेद्योतकी कोशिकाएं मेरिस्टमेटिक सेल्स, उनमें जीवद्रव्य सक्रिय होता है, सक्रिय जीवद्रव्य पाया जाता है। इस कारण जो श्वसन की दर है ना, श्वसन की जो दर है वो भी अधिक होती है। फिर है श्वसनीय क्रियाधार, या श्वसनीय क्रियाधार। देखिए जो ग्लूकोज है ना वो मुख्य श्वसनाधार है, ठीक, लेकिन जब अपने स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च की बात करें या वसा की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, तो ये तब यूज होते हैं जब ग्लूकोज की कमी हो जाए शरीर में, ठीक। एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन, पादपों में होता है स्टार्च और एनिमल में होता है ग्लाइकोजन। अगर देखिए जो भी बॉडी है, प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी, अगर उसमें ग्लूकोज है पर्याप्त मात्रा में, तो सबसे पहले किसका ऑक्सीकरण होगा, श्वसन प्रक्रिया में कौन प्रयुक्त होगा, ग्लूकोज, ठीक। अगर ग्लूकोज नहीं है